अस्सलामुअलैकुम, आज हमें बनाना है चिकन चिल्ली। ये हमने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया, इसके अंदर हमको ब्लैक पेपर डालना है, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डालना है और 1 टीस्पून मैदा डालना है और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। टीस्पून नमक डाल देना है। अब हमें एक एग डालना है और फूड कलर डालना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसे हमें 10 मिनट के लिए रख देना है अच्छी तरह से। अब इसे फ्राई कर लेना अच्छे से। अब हमें एक पैन में ऑयल लेना है। अब हमें धीरे लो फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अब इसे अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। हमारा चिकन एकदम अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हमें इसे निकाल लेना है। सारा चिकन हमने फ्राई कर लिया अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं ये हमने कट की हुई ओनियन है, शिमला मिर्ची, अदरक लहसुन और वो सेजवान चटनी थी, हमने अदरक लहसुन ऐड कर देना है और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और इसके अंदर हमें मिर्ची ऐड कर देना है। हमें मिर्ची को अच्छी तरह से फ्राई कर देना है। अब इसके अंदर हमें कट की हुई ऑनियन और कैप्सिकम ऐड कर देना है। ये सब हमारा गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून सोया सॉस डालना है, 1 टीस्पून ग्रीन चिली ऐड करना है और हमें ऐड करना है इसके अंदर विनेगर डाल देना है, ऐड कर देंगे। अब कलर ऐड करना है और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और इसके अंदर हम टोमेटो सॉस डालना है थोड़ा सा नमक ऐड करना है